नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुल एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम 2000 से रिलेटेड क्वेश्चन। BA, BSc, BCom पार्ट फर्स्ट जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में, उनकी एग्ज़ाम कब होगी और टाइम टेबल कब आने वाला है, बड़ा डाउट बना हुआ है। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे BA, BSc, BCom। चाहे आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, पार्ट फर्स्ट में हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, और जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसकी एग्ज़ाम कब होगी और उसका टाइम टेबल कब आने वाला है, इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन बना हुआ है, सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कैसे करें जो नॉन स्टूडेंट है, और रेगुलर स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें, मेन जो सब्जेक्ट हैं उनको कहाँ से पढ़ें, जनरल इंग्लिश और हिंदी जो कंपलसरी एग्ज़ाम उसकी तैयारी कैसे करें, और वैल्यू एडेड कोर्स और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, सब पर डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो पहला डाउट कि जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके दोनों सेमेस्टर लगने वाले हैं एक साथ, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो सबसे पहले आपका टाइम टेबल आएगा और कुछ नोटिस जारी हुए उसमें पहले तो ये बोला जाता था अप्रैल में एग्ज़ाम होंगी, अप्रैल ख़त्म हो चुका है। कुछ नोटिस कुछ दिनों पहले आए जिसमें मई में आपके एग्ज़ाम बताए जा रहे हैं, ठीक है। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो आज हो गई 7 मई, ठीक है, 7 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब तक राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाकर देखोगे तो कोई नोटिस नहीं आया है। कल आ जाए परसों आ जाए उसकी कह नहीं सकता, लेकिन अब तक तो कोई नोटिस नहीं आया है। और इन्होंने चाहे सेमेस्टर सेकेंड हो रेगुलर वालों का और चाहे नॉन स्टूडेंटों का, मई में एग्ज़ाम ही बता रहे हैं। तो आपका टाइम टेबल 15 मई तक आना जरूरी है, यानी 7 मई से लेकर 15 मई के बीच में यदि आपका टाइम टेबल आ जाता है तो फिर मई के लास्ट में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपको 15 दिन तो तैयारी का दिया ही जाता है। यानी टाइम टेबल और जो आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होती हैं उसके बीच में राजस्थान यूनिवर्सिटी 15 दिन का टाइम तो देती ही है। किसी स्टूडेंट को पता नहीं कि टाइम टेबल आ गया तो इन 15 दिनों में वो पता कर सकता है बड़े तरीके से कि उसके एग्ज़ाम कब है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है। तो आपका जो टाइम टेबल है वो कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, या 15 मई के पहले पहले आ ही जाएगा आपका टाइम टेबल, क्योंकि मई में अब ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। तो आपके 7 मई से लेकर 15 मई के बीच में कभी भी टाइम टेबल आ जाएगा। जैसे ही टाइम टेबल आता है मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम का है, क्योंकि मैं जो सेमेस्टर जो BA पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट हैं नॉन कॉलेज के और रेगुलर कॉलेज के, उनके लिए मैं क्लासेस लाता रहता हूँ, ठीक है। तो ये डाउट अपन का क्लियर हो गया, सबसे पहले टाइम टेबल आएगा और उसके बाद में आपकी एग्ज़ामें स्टार्ट होंगी। तो आपकी एग्ज़ामें शुरू कब हो सकती हैं, मई का जो लास्ट वीक है ना, लास्ट वीक, यानी आप मान सकते हो 20 से 30 मई, इसके बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती हैं। देख लेना टाइम टेबल जैसे ही आएगा इसके बीच में आपके एग्ज़ामें स्टार्ट होंगी। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से। इसके बाद में दूसरा डाउट बना हुआ है कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके सेमेस्टर फर्स्ट हो चुका है और सेमेस्टर सेकंड के एग्ज़ाम कंडक्ट कब होंगे। तो इनका पहले जून बताया गया था, लेकिन बाद में जो नोटिस आया उसमें मई बताया गया है, इनकी भी मई है। तो जो नॉन स्टूडेंटों की एग्ज़ाम होंगी उसके आसपास ही मई वालों की एग्ज़ाम होंगी, और दोनों का टाइम टेबल है ना जो मेरे हिसाब से एक साथ ही आएगा। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। और जो नॉन स्टूडेंट है और रेगुलर स्टूडेंट है उनका सेमेस्टर जो सेकंड रहने वाला है वो आगे पीछे ही लगेगा, या एक साथ भी आपका पेपर लग सकता है, क्योंकि नॉन स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट का सिलेबस एक है, एग्ज़ाम पैटर्न एक है, सब कुछ एक है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड की तैयारी कैसे करें। देखो, मैं नॉन जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सेमेस्टर फर्स्ट की मैंने वीडियो डाली थी और सेमेस्टर सेकेंड जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ। और हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट है, यदि आपके पास हिस्ट्री है तो कुछ क्लासें मैंने करवा दी है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 20-20 अंकों के। तो यहाँ पर देखो आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे वो मेन है, ठीक है, उनको बढ़िया तरीके से पहले पढ़ना है। अब इनको कैसे पढ़ोगे, या तो आप सिलेबस निकाल लो,
राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से सिलेबस निकाल लोगे, ठीक है, या फिर इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, सिलेबस को बढ़िया तरीके से समझा रखा है, किसी भी सब्जेक्ट का हो चैनल पर जाकर देख लीजिए, मेरे पास भी कमेंट कर दोगे, फिर उसके बाद में सिलेबस निकाल कर आप पढ़ सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन देख लोगे, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, या फिर आप सीरीज से पढ़ना चाहते हो, वन वीक सीरीज जो आती है उससे पढ़ना चाहते हो तो वो सिर्फ आपको पास करा सकती हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से उसको पढ़ लोगे तो थोड़े अच्छे अंक आ जाएं, लेकिन यदि बढ़िया अंक लाना चाहते हो तो सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में जो कंपलसरी एग्ज़ाम है जनरल इंग्लिश और हिंदी, इनको आपको पास करना होता है, और आप है ना जो वन वीक सीरीज है ना वो पढ़ लेना, पास हो जाओगे, गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो इनके लिए बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास में टाइम भी कम है। वैल्यू एडेड कोर्स और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, इनकी भी मार्केट में सीरीज आ गई हैं, ठीक है, मार्केट में सीरीज आ गई हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि इनकी सीरीज तो आई नहीं, आ गई है, बढ़िया तरीके से मार्केट में पता करोगे तो सीरीज इनकी आ गई है, और इन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी, तो चैनल से जुड़ जाइए। और सारी की सारी चीज़ें मैंने बढ़िया तरीके से क्लियर कर दी हैं। इस वीडियो का एक ही सार है कि आपका जो टाइम टेबल है वो 7 मई आज हो गई, 8 मई से लेकर 15 मई के बीच में आना बहुत ज़रूरी है, तभी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो बताया है मई में एग्ज़ाम होगी तभी पूरा होगा। यदि 15 मई के बाद में आता है तो फिर आपकी लास्ट मई में भी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होंगे, फिर जून में ही जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।